नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर के नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सभी विभागों और मंत्रालयों को दिया आदेश, बदल गया ये नियम। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, तो वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदलने जा रहा है रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का नियम। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 13 अगस्त 2020 को। और दोस्तों, इसी के बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करके 10 दिन के अंदर सभी विभागों और मंत्रालयों से सुझाव भी मांगा गया है, बेहद ज़रूरी होने पर ही ऐसी नियुक्तियों की बात कही गई हैं। वित्त मंत्रालय ने अब उन सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रेगुलेट करने के नॉर्म्स पर काम कर रहा है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। इनमें नॉमिनेशन आधारित नियुक्तियों को न्यूनतम रखने का प्रस्ताव है और इस आदेश के माध्यम से कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति किए जाने वाले कर्मचारी, जिसमें कंसलेट्स भी शामिल हैं, के लिए कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइन नहीं है ताकि इन मामलों में सैलरी पेमेंट को रेगुलेट किया जा सके। ज़रूरी हो तब भी क्रैक कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां। जी हां दोस्तों, ड्राफ्ट गाइडलाइन से पता चलता है कि जो राज्य इन कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए पिछले सर्विस के मद्देनज़र नॉमिनेशन के आधार पर नियुक्त करता है, उन्हें इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर नहीं लेना चाहिए ताकि इसमें कंसल्टेंट्स भी शामिल हैं। जहाँ तब संभव हो इस पर नियुक्तियों को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। गाइडलाइंस में लिखा गया है कि इस तरह की नियुक्तियों को आधिकारिक काम के लिए न्याय संगत मजबूरियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि वे नियुक्तियाँ जनहित में हो। और दोस्तों, आगे इसमें सैलरी पेमेंट को लेकर ड्राफ्ट के गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रति माह एक तय सैलरी दी जानी चाहिए जिसमें रिटायरमेंट के समय पर प्राप्त बेसिक पेंशन की रकम को घटाकर ही तय किया जाना चाहिए, इसे ही सैलरी कहा जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तक के लिए तय सैलरी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाउस रेट अलाउंस यानी HRA का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा अगर स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया जाता है तो HRA नहीं शामिल किया जाएगा। वहीं शुरुआती दौर में इस तरह की नियुक्तियों की अवधि 1 साल के लिए होगी, इसमें 2 साल या उससे अधिक सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी सूरत में यह 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि अगर किसी रिटायर केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति ओपन मार्केट से होती है तो इसके लिए भुगतान कॉन्ट्रैक्ट के नियम व शर्तों के आधार पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियों के नियम को लेकर सभी विभागों और मंत्रालयों से 10 दिन के अंदर इसका जवाब मांगा है। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।